नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हैदराबाद में वेटनरी हॉस्पिटल के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है, और आक्रोश होना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिर्फ आक्रोश ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी मानसिकताओं को कई तरीके से संकीर्ण बना करके रख लिया है। और ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं, सिर्फ नाम और शहर बदल जाया करते हैं। इस घटना को लेकर के देश भर में काफी आक्रोश एक बार फिर से जागा है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि संसद के पास जब एक लड़की अनु दुबे ने इस मामले को लेकर के आंदोलन करने की कोशिश की तो पुलिस के द्वारा उसके साथ बर्बरता की गई। पुलिस के द्वारा उसे आंदोलन ना करने के लिए कहा गया और जबरदस्ती उससे ये लिखा लिया गया कि वो आंदोलन नहीं करेगी। अनु दुबे ने अपने दर्द को साझा करते हुए एक कविता लिखी। हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वो कविता सुननी चाहिए और उस कविता में छुपी हुई भावुकता, उस कविता में छुपे हुए आक्रोश और उस कविता में छुपे हुए डर को भी देखना चाहिए, ताकि फिर कोई दूसरी मेडिकल स्टूडेंट, किसी वेटनरी डॉक्टर, किसी ट्विंकल, किसी आसिफा या किसी निर्भया के साथ ऐसा मामला ना हो। अनु दुबे ने अपनी कविता के जरिए उस महिला का दर्द बताने की कोशिश की है जिसके साथ हैदराबाद में हैवानों ने बर्बरता की थी। अनु दुबे ने अपनी कविता में लिखा, लो आ गई हूँ सामने, डर डर के थक चुकी हूँ, बस अब बहुत हुआ, अब डरने का मन नहीं करता, नहीं करनी मुझे अब कोई नाटक नौटंकी, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। जाओ कर लो मंदिर मस्जिद की, बड़े लोग हो आप, हम छोटे लोगों को बस खुलकर सांस लेने दो, बिना डरे हंस कर जीने दो, पढ़ा है बेसिक नीड पूरी हो तब लोग सेल्फ एस्टीम का सोचते हैं, डर रही हूँ कल क्या होगा, कुछ बदलेगा या मेरा भी बाकी वो जैसा हाल होगा। जैसा कि कहा मैंने, लो आ गई हूँ सामने, डर डर के थक चुकी हूँ, बस बहुत हुआ, अब डरने का मन नहीं करता। अभी कुछ दिनों एक छोटी सी चोट लगी थी, एक्चुअली मैं बाइक के साइलेंसर से जल गई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जब तुम्हारे बारे में सुना तो पीछे नहीं हट पाती, मैं तो सोच भी नहीं सकती तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, बस बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए आगे आई। ये कविता चंद पंक्तियां ना हो करके उस वेदना, उस दर्द, उस भावुकता और उस आक्रोश को भी हमारे सामने लाने का काम कर रही है। हमने कितने ही मोमबत्तियों की यात्राएं निकाली हों, लेकिन आपको बता दें कि निर्भया केस जो 2012 में हुआ था और जिस घटना को लेकर के पूरे देश में आंदोलन हुए थे, जिस घटना को लेकर के पूरा देश आक्रोशित था, उस घटना के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं दी जा सकी है। हम बात कर रहे हैं कल की ही, निर्भया की मां पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर आते हुए अपने आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक चीज मांग रही थी, वो मांग रही थी अपनी बेटी के लिए न्याय, वो मांग रही थी अपनी बेटी के आरोपियों के लिए फांसी की सजा, लेकिन अफसोस पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें यह कह के फांसी देने से मना कर दिया कि जब तक एक आरोपी की दया याचिका पर राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं लेते तब तक हम आरोपियों के खिलाफ डेथ वारंट नहीं दे सकते। जिस तरह से अचानक से किसी लड़की के साथ ये दुर्घटनाएं होती हैं, उसे जला दिया जाता है, उसे सड़क पे फेंक दिया जाता है और हमारा सभ्य समाज जिसे शर्म भी नहीं आती, पीड़िता अगर मरती नहीं है जिंदा बच जाती है तो जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाती है, जिंदगी भर उसे समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन आरोपियों का क्या, आरोपियों की सारी उम्र कोर्ट ट्रायल में यूं ही गुजर जाती है और कई बार आरोपियों को हमारे देश की अदालतों से सजा नहीं मिलती है, ऊपर वाले की सजा से ही वो मौत के मुंह में चले जाते हैं।
हमें सोचना होगा कि हमारी फास्ट ट्रैक कोर्टें जो हमने सिर्फ रेप पीड़िताओं के लिए बनाई हुई हैं वो किस हद तक असरदार हैं। क्या सिर्फ मिसालें देने के लिए ही 10 दिन से 15 दिन के अंदर कुछ मामलों में फैसला सुनाया जाता है? और सबसे बड़ी बात, धर्म के उन ठेकेदारों के लिए जो पीड़िता और आरोपियों में हिंदू मुसलमान ढूंढने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी पीड़िता किसी जाति और किसी धर्म की नहीं होती है, वो सिर्फ पीड़िता होती है। और उसी प्रकार से आरोपियों का भी कोई धर्म नहीं होता है, ना ही उनकी कोई इंसानियत होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हैवान होते हैं। हैदराबाद के केस में आरोपियों की माँ और पिता ने बोला है कि जो भी सजा होनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में छुपे हुए कुछ मानसिक रोगी अभी भी हिंदू और मुसलमान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक ऐसे समाज में होने का ढिढोरा पीटते हैं जहां पर यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्त देवता जैसी बातें कही जाती हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि रोज ही ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। हर 20 मिनट के अंदर देश में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, सिर्फ नाम बदल जाता है, सिर्फ आरोपियों की जाति और धर्म हम खोजने में लग जाते हैं। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कल किसी बेटी के साथ फिर से ऐसी घटना होगी और हम फिर से कैंडल मार्च निकाल रहे होंगे। हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि अब ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। देखते रहिए द खबरदार न्यूज।